भोपाल के मॉडल स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों ने जेएनबी एलुमिनाई मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया की थीम पर रखा गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों ने भोपाल के मॉडल स्कूल में एलुमिनाई मैराथन दौड़ 2020 का आयोजन किया। घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जिसके बाद मंत्री पीसी शर्मा के साथ देश के कोने कोने से आए जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने दौड़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पहले छात्रों ने वार्म अप सेशन का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने डांस कर खुद को दौड़ के लिए तैयार किया। इस दौरान नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल पूर्व मिस दिल्ली और रेलवे महिला विंग की प्रेसिडेंट अंशुल भटनागर के साथ मध्य प्रदेश की पर्वतारोही और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार विशेष तौर पर मौजूद रहीं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आयोजन की सराहना की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार हुआ। आज नवोदय स्कूल के बच्चे सभी जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं। रेलवे महिला विंग की प्रेसिडेंट अंशुल भटनागर ने बताया कि वो भी नवोदय की स्टूडेंट रह चुकी हैं और उन्हें यहाँ आकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इस स्कूल का कंसेप्ट ही है कि पूरे देश में इंटीग्रेशन कैसे हो, एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में पढ़ने जाएं, वहाँ की संस्कृति को सीखें। और मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनका कंसेप्ट ये था, दूरदर्शिता थी कि इस देश को कैसे इंटीग्रेटेड रखा जाए। और जो प्रजातंत्र यहाँ पर है, जो यहाँ का संविधान है, ये अपने आप में एक ताकत है और इसको ये इस तरह के इंस्टीट्यूट और ताकत देते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने पूरे देश से ये लोग आज भी नवोदय स्कूल और अपने एलुमिनियों को मानते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं। इन सबको बधाई, शुभकामनाएं और ये मैराथन सब जीते, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी पहल है ये, स्वास्थ्य के इससे भी और जो नवोदय के स्टूडेंट इकट्ठे होके सबके लिए ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें मंत्री जी का बहुत योगदान रहा है, जिनके साथ दौड़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। कार्यक्रम में सभी पूर्व छात्रों ने अपना परिचय दिया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव बांटे और किसी भी परेशानी में एक दूसरे से जुड़े रहने की बात कही। इस मौके पर नवोदय के छात्रों ने कहा कि पूर्व छात्रों से मिलकर पुराने दिन याद आ गए। छात्रों ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवोदय के छात्रों को एक दूसरे से जोड़े रखना है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कार्यक्रम में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा दिया गया। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मेरा जो भी प्रयास किया गया कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अच्छे किया गया। और हमारी टीम जागृति जो है ना, लास्ट ईयर भी किया था और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग इस प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से करेंगे। और हमारा प्रयास रहा है कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के सहयोग से इस मैराथन और उद्योग दर्शन में आप आए, इस कड़ाके ठंड में झीलों की नंगरी में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। जेएनबी मीट के लिए आए हैं, यहाँ पे एलुमिनी मीट हो रही है तो मैराथन के लिए रन नवोदय रन के लिए ये एक इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग को हमारी एकता प्रदर्शित करनी है। ये नेशनल मीट है, नेशनल नवोदय मीट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो है स्टूडेंट्स और बड़े भैया दीदी लोग जो बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ में, वो भी आए हैं। तो मेन चीज़ मैराथन नहीं थी कि मैराथन है, मेन चीज़ मीट थी, जैसा उसने बोला कि सबसे मिलना और बात करना, कौन क्या कर रहा है सबसे, और उनकी राय लेना, उनकी बात सुनना, वो कनेक्शन वो फिर से फील करना था। इसलिए मेन तो ये है कि सबसे जुड़ना आपस में, बहुत साल बाद हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती रहती है ना। वो एक स्कीम की बहुत अच्छी स्कीम है ये कि एक दूसरे से मिलते रहते हो आप और आपके एलुमिनाई से आप बहुत कुछ सीखते हो। सिंस वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो हमें बहुत कुछ सीखना है, तो हम इंस्पायर कौन करेगा, ऐसे कोई गाइड नहीं कर देता है। बट नवोदय एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे आपको कहीं भी चले जाओ आप, मतलब किसी भी नवोदय से हो, एक फैमिली अलग कनेक्शन होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो बस ये कनेक्शन के लिए हम लोग आज जवाहर नवोदय विद्यालय ये जो एलुमिनी मीट, मैराथन और उद्योग दर्शन यहाँ भोपाल में कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और नेशनल इंटीग्रेशन। आज हमारे समाज में एकता की बहुत आवश्यकता है जो देश में हो रहा है, इसलिए हम लोग संदेश दे रहे हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि एक होकर रहें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।